हेलो दोस्तों, एक संदीप भाई ने कमेंट किया था 7018 से कैपिंग वेल्डिंग कैसे करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरे कैपिंग के बारे में एक एक पॉइंट दिखाया हूँ और बताया हूँ। अगर संदीप भाई ने इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखें। कैपिंग के बारे में पूरे एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताना जा रहे हैं कैपिंग वेल्डिंग कैसे किया जाता है। कैपिंग वेल्डिंग करते समय कौन कौन से बात को ध्यान में रखा जाता है और कैसे किया जाता है, पूरे एक एक पॉइंट में इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा 7018 से कैपिंग वेल्डिंग फाइनल कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लोग के 64 इंच का एक ज्वाइंट है, इसमें कैपिंग वेल्डिंग किया जा रहा है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैपिंग वेल्डिंग करते समय कौन कौन से बात को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लोग, एक उस्ताद हैं मेरे सामने जो बहुत अच्छा वेल्डर हैं, बहुत अच्छे से कैपिंग वेल्डिंग करते हैं, इनका वेल्डिंग बहुत फिनिशिंग आता है। इनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा से कैसे वेल्डिंग करते हैं और कैसे फाइनल वेल्डिंग किया जाता है और कौन कौन से बात को ध्यान में रखा जाता है, उस्ताद आप लोग को बताएंगे। और देखिए सब एक एक पॉइंट में इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। पहले बताइए फाइनल वेल्डिंग करते समय कौन कौन से बात को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले फिलअप जो है पाइप लेवल से डाउन नहीं होना चाहिए, पाइप लेवल के बराबर मारिए। अच्छा, जो फिलअप है पूरा लेवल आना चाहिए, मतलब पाइप लेवल के बराबर होना चाहिए। अच्छा, डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके आगे जो लाइन मार रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो लाइन सीधा होना चाहिए, जो लाइनिंग मारा गया है पूरा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, टेढ़ा होगा तो कैपिंग टेढ़ा होगा। हाँ, अच्छा, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए। जैसे दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये लाइनिंग मारा हुआ है, इसी तरह पूरा लाइनिंग सीधा होना चाहिए, ये टेढ़ा ओढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वेल्डिंग करते समय रॉड जो है मूव करके मारिए। पहला जो राउंड लेकर चलना है थोड़ा मूविंग करना है, मूव करके राउंड। अच्छा, ऐसे घुमा कर थोड़ा घुमा के रॉड से दिखाइए, मूव करके मारेंगे। अच्छा, पहला जो राउंड अंदर कट आने का चांस नहीं रहेगा। अच्छा, जो पहला राउंड लेके चलना है वो थोड़ा मूविंग करके चलना है, इसे गोल गोल घुमा के। हाँ, गोल गोल घुमा के राउंड में, ताकि वो अंदर कट ना आए, अंदर कट नहीं आएगा। और दूसरा दूसरा लेयर जब ले रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेयर मारे हैं उसमें से 30% पकड़ना है, ग्राइंडिंग पकड़ के लाइन मारिए। अच्छा, पहला राउंड मार के दिखाइए इसे आप कैसे वेल्डिंग करते हैं। थोड़ा रड तो बताइए कैसे रड को लगाना है, कौन से पोजीशन में लगाना है। 45 में रड लगाना चाहिए। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कैसे रड लगाए हैं इनका और हाथ का पोजीशन कैसे है, इसी तरह रड को लगाना चाहिए। अभी ने पहले फर्स्ट राउंड मार के दिखा रहे हैं आप लोग को, ऐसे ही देखिए कैसे वेल्डिंग करते हैं। तो फर्स्ट राउंड ये चालू किए हैं, अभी ने मार रहे हैं। देख रहे हैं लोग दोस्तों कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। और इनका देखिए हाथ का पोजीशन कैसे है, इसी तरह हाथ का पोजीशन होना चाहिए। देखिए ये हाथ का पोजीशन कैसे बनाए हुए हैं। पूरे एक बराबर चलना चाहिए, हाथ बैलेंस आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, पूरे शरीर का अच्छे तरह से पोजीशन होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कैसे पोजीशन बनाए हुए हैं, इसी तरह 64 इंच का लाइन है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप लोग एक रड जराए हुए हैं, इनका वेल्डिंग कैसे हुआ है देख रहे हैं ना, कितना फिनिशिंग हुआ है, पूरा एकदम सीधा हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा भी टेढ़ा हुआ नहीं हुआ ना है, हुआ है एकदम पूरा सीधा होना चाहिए। और आप लाइनिंग सीधा मारते हैं तो वेल्डिंग जो मारेंगे ये भी पूरा सीधा होगा, और लाइनिंग टेढ़ा करते हैं तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा। इसके लिए कभी भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो लाइनिंग भी सीधा मारें, एकदम सीधा लाइनिंग लेके चले। अभी ये दूसरा रॉड चालू करेंगे, थोड़ा बताइए दूसरा रॉड चालू करना है तो कैसे रॉड को लेना है। 90 में लेना है, स्लिप करके चलो स्टार्ट करना है, रॉड को थोड़ा आगे से स्लिप करके फिर लेके आइए, फिर लेके जाइए। अच्छा, वो आगे स्लिप करने से क्या फ़ायदा होगा, पोरोसिटी नहीं आएगा। और पोरोसिटी नहीं आएगा, अगर पोरोसिटी आ भी गया तो आगे से पीछे से लेके आप चलेंगे तो पोरोसिटी जल जाएगा। इसके लिए दोस्तों कभी भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे से लेके आए, वो आगे से थोड़ा मूविंग ऐसी करके घिंच के उसके बाद आगे से बढ़ना है। चलिए चालू कीजिए।
सबसे पहले कोई भी वेल्डिंग कर रहे हैं, आपका शरीर का पोजीशन अच्छे तरह से है तो वेल्डिंग भी अच्छा आएगा, और शरीर का बैलेंस अच्छे से नहीं रहेगा तो वेल्डिंग भी अच्छा नहीं होगा। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए और शरीर का बैलेंस सही नहीं है तो वेल्डिंग भी दिक्कत आएगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं लोग, हेल्पर है इनका, ये रॉड थमा रहे हैं, देखिए रॉड कैसे लगा रहे हैं। देखिए ऊपर में जब चले गए हैं तो रॉड को थोड़ा खड़ा करके लगाए हैं, देखिए होल्डर कैसे पकड़े हुए हैं। इसी तरह आप जैसे जैसे वेल्डिंग करते चले वैसे वैसे बैलेंस चेंज करना है, रॉड का होल्डर का कैसे लगाना है, देखिए लोग कैसे रॉड लगाए हैं। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये पहला राउंड चलाए हुए हैं, पहला राउंड कैसे वेल्डिंग हुआ है, इसी तरह होना चाहिए एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छे तरह से वेल्डिंग हुआ है, इसी तरह पूरा फिनिशिंग वेल्डिंग होना चाहिए। अब पहला राउंड चला दे तो थोड़ा इसको ब्लेड मार दे, जो कचरा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। उधर से तीन राउंड आ गया, तीन राउंड में फाइनल करेंगे। ये पहला राउंड वेल्डिंग कर दिए हैं और इसमें लाइनिंग फिर मारेंगे दोबारा। तो उस्ताद इसमें लाइनिंग कैसे मारना चाहिए फिर दोबारा? थोड़ा सा वेल्डिंग पकड़ करके इधर से, हाँ, फिर लाइन मारना है। ये थोड़ा वेल्डिंग मतलब आधा पकड़ना है, जैसे ब्लेड से दिखा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से थोड़ा सा मतलब कम से कम 5 मिनट वेल्डिंग पकड़ के लाइनिंग मारना है। मार के वापस जो सेकंड राउंड लेंगे तो पूरा भर के जाना है। अच्छा, एक पहले ग्रेनी मारेंगे, इसमें से थोड़ा सा कटिंग करेंगे, मतलब थोड़ा सा कट कर 2-3 mm तक, ताकि सेकंड राउंड मारेंगे तो वेल्डिंग बैठ जाए बढ़िया से बैठे, इसमें लाइनिंग ना आए। इसके लिए थोड़ा सा वेल्डिंग कट करके ही मार, चलिए थोड़ा लाइनिंग मार के दिखाइए। अब इन्हें लाइनिंग मार रहे हैं, देखिए लोग दोस्तों कैसे लाइनिंग कर रहे हैं। लाइनिंग करने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे लाइनिंग किए हुए हैं। तो बहुत गिरता है, बहुत चुभता है। देखिए लोग दोस्तों कैसे लाइनिंग किए हुए हैं, कैसे लाइनिंग मारे हैं। जब दूसरा राउंड लेके चलना तो इसी तरह लाइनिंग अच्छे तरह से मारना है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कैसे लाइनिंग पूरा सीधा मारे हैं, टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए, इसी तरह पूरा फिनिशिंग सीधा होना चाहिए, तब आपका जो दूसरा राउंड मारेंगे तो वो भी सीधा फिनिशिंग वेल्डिंग होगा। अब इन दोस्तों ये बताएंगे से दूसरा राउंड कैसे लेके चलना है, चलिए मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा और बताइए बताइए उसका दूसरा राउंड लेजली कैसे लेके चलना है। दूसरा राउंड लेना है इससे, तो इसको हमको तीन लेयर में फाइनल करना है। हाँ हाँ, क्योंकि लास्ट लेयर है लाइन जो मारा हुआ लास्ट, हाँ, वो हल्का सा पकड़ के चलेंगे सेकेंड राउंड में। अच्छा, पूरा भर के जाएंगे, हाँ, ताकि लास्ट लेयर जो हमको पतला मार के जाना होगा, क्योंकि लास्ट लेयर हम मोटा नहीं मार सकते हैं, तो अच्छा नहीं दिखेगा, और मोटा होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। जो भी हमको एडजस्ट करना है बीच में, बीच में करना है, बीच में थोड़ा चौड़ा लेके चलना है और थोड़ा मूविंग करके चलना है। हाँ, मूविंग करके जाएंगे तो ये पकड़ में आएगा, हाँ, ताकि फर्स्ट जो लास्ट वाला लेयर बचेगा ये थोड़ा पतला आएगा, नहीं तो ज़्यादा चौड़ा आएगा, ज़्यादा मोटा आएगा तो वेल्डिंग फिनिशिंग नहीं दिखेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा बीच वाला जो लेयर है उसको थोड़ा मूविंग करके चलना है, फर्स्ट वाला और सेकेंड लास्ट वाला पतला लेके चलना है और बीच में थोड़ा मूविंग करना है। चलिए मारिए, थोड़ा चावड़ा मारे हैं, इसी तरह होना चाहिए। मारिए अपना दौड़ा दे, फास्ट वीडियो हो जाना है। फैन में से रड निकाला जा रहा है, वो साद ये रड हीट होना चाहिए क्या? ये रड हीट है कि ठंडा है? गर्म है ये रड, बहुत गर्म है। कितना गर्म है? अभी फिलहाल 250 पर बैटिंग हुआ है। हाँ, वेल्डिंग 150 तक चल रहा है, 150 टेम्परेचर। हीट रहने से क्या फ़ायदा है? पोरोसिटी नहीं आएगा। रड हीट रहेगा तो पोरोसिटी आने का बहुत कम चांस है। कभी भी आप फाइनल वेल्डिंग करें, मेल्टिंग अच्छे से होगा, मेल्टिंग भी अच्छा होगा, रड भी अच्छा जलेगा। तो कभी भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों तो रड हीट होना चाहिए, कम से कम 150 हीटिंग होना चाहिए रड का।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, साथ में शेयर भी करें, ताकि आप जो भी दोस्तों को नॉलेज नहीं है वेल्डिंग के बारे में वो अच्छी तरह से नॉलेज ले पाएँ। देखिए दोस्तों यहाँ तक लाए हैं, इधर से तीनों राउंड आ गया, इधर से दो राउंड लेके आए हैं, तो यहाँ पे उस साथ लेके आना है तो कैसे मेंट करना है यहाँ पे थोड़ा बताइए। तो ला के मार्के लेके आना है, यहाँ के राउंड करके तब उठाना है, यहाँ पे थोड़ा राउंड करके थोड़ा रुक के तब उठाना है, ताकि वहाँ पे डाउन ना हो, डाउन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो इसके लीवर में भी होना चाहिए, या थोड़ा करंट कम करवा के उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं लोग, ये दूसरा राउंड कैसे लेके गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़े हैं, मतलब 4-5 mm तक होगा, ये 4-5 mm तक होगा छोड़े हुए हैं, इसमें थोड़ा मूविंग ज़्यादा किए हैं उस उधर के, इसी तरह होना चाहिए। अभी फिर इसमें लाइनिंग मारेंगे, लाइनिंग करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे लाइनिंग मारे हैं। अच्छे तरह से लाइनिंग पूरा मारना है, सीधा पूरे लाइनिंग मार दिए हैं, ताकि इसमें से जो भी कचरा रहेगा वो कचरा निकल जाएगा, सलेक्ट मलेक यहाँ पे दबना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी सलेक्ट दबता है थोड़ा भी तो पोरोसिटी आ जाएगा। ठीक दोस्तों अभी बताएंगे से लास्ट लेयर कैसे लेके चलना है, अभी चलिए मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। और उस्ताद बताइए इसे लास्ट लेयर कैसे लेके चलना है। लास्ट लेयर का हल्का सा मूव करके जाना है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा मूविंग करना है, राउंड में करके जाना है, और रड का पोजीशन जो है ऐसे क्रॉस रहेगा। देखिए रड कैसे पकड़े हुए हैं, इसी तरह थोड़ा इस साइड से क्लश होना चाहिए, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग है तो इधर से क्रॉस होना चाहिए, इस साइड से ऐसे मतलब क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस रहेगा तो अंदर, ताकि इधर का जो भी मेटर है वो इस पे चढ़े, चढ़ेगा हाँ, वो इस पे चढ़े, अंदर कट भी नहीं आएगा, वो अंदर कट भी नहीं आना चाहिए इस साइड में भी, और अंदर कट नहीं आना चाहिए, थोड़ा गोल गोल लेके चलेंगे तो अंदर कट आने का बहुत कम चांस रहता है। चलिए देखिए कैसे लेके चलते हैं, देखिए रड कैसे लगाए हुए हैं, इधर से थोड़ा पकड़े हुए हैं, देखिए दोस्तों कैसे मार रहे हैं, रड का पोजीशन देखिए, रड का पोजीशन कैसे है, देखिए दोस्तों रड का पोजीशन कैसे है, इसी तरह रड का पोजीशन होना चाहिए, देखिए दोस्तों इनका रड का पोजीशन कैसा है, इसी तरह पोजीशन होना चाहिए रड का, इस साइड से लिए हुए हैं, देखिए कैसे मार रहे हैं। देखिए दोस्तों एक राउंड में लास्ट लेयर मारे हैं, कैसे मारे हुए हैं, मारे हैं इसी तरह होना चाहिए, देखिए कैसे लेके चल रहे हैं, कहीं पर भी अंदर कट नहीं है, अंदर कट नहीं होना चाहिए। देखिए अभी दूसरा रड मारेंगे, देखिए रड कैसे फंसाए हुए हैं, ये 7018 रड है, 315 से फाइनल मार रहे हैं, 315 का रड है। देखिए दोस्तों रड कैसे बना फंसा रहे हैं होल्डर में, पूरे अच्छे तरह से पोजीशन से रड को फंसाना है, देख रहे हैं लोग दोस्तों कैसे मारे हुए हैं, ये तीनों राउंड फाइनल हो गया, अभी थोड़ा अच्छे तरह से ब्लेड मार के और ब्रश मार के आप लोग को दिखाता हूँ उसे कैसे वेल्डिंग हुआ है। देखिए दोस्तों साफ किया जा रहा है, देखिए दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों पूरा फाइनल आपके सामने आ गया, ये तीनों लेयर पूरा फाइनल कर दिए हैं, देखिए कितना अच्छा बैठा हुआ है, कहीं पर भी स्टार्टिंग पॉइंट या कहीं पर भी कट अंदर कट नहीं दिखाई दे रहा है,
देखिए दोस्तों, साइड में कहीं पे भी अंडरकट नहीं दिखाई देता होगा आपको, और कितना अच्छा वेल्डिंग बैठा हुआ है। इसी तरह एकदम अच्छे तरह से वेल्डिंग बैठना चाहिए। देखिए पूरे बिल्कुल, देखिए ए राउंड जितना आपको दिखाई देता होगा उतना ही राउंड ए भी चढ़ा हुआ है, इतना ही ए भी चढ़ा हुआ है। ठीक है, तीनों एक बराबर दिखाई दे रहा है, पूरे इसी तरह पूरा एक बराबर होना चाहिए वेल्डिंग। अप डाउन या खाल उस या कहीं पे टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों कितना फिनिशिंग वेल्डिंग हुआ है। पूरे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी दोस्तों देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग को देखने को नहीं मिलता होगा। देखिए लो दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह फाइनल वेल्डिंग होना चाहिए। अरे इस टाइप का फाइनल वेल्डिंग करते हैं तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है या कोई भी आपको दबा नहीं सकता है। कहीं पर भी जाइए कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता है। इसी तरह पूरा फिनिशिंग वेल्डिंग होना चाहिए। वीडियो के इतना ही पे कट करता हूँ, और आगे कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करें और शेयर करें। कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे ऊपर बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा और बनाऊँगा और दिखाऊँगा। कोई भी टॉपिक पे आर कार्गन के वेल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करें। चलिए दोस्तों तब तक चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, रहने देते हैं।